इधर से। हाँ यार यहाँ से। सो गाइस यार स्वागत है आपका मेरे चैनल पे, स्वागत है एक नई वीडियो में। यार आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम दो बाइक्स लेके आए हैं। दोनों ही बाइक्स आपने ऑलरेडी देख चुके हैं मेरे चैनल पे, बट आज हम बात करने वाले हैं कि भाई इन दो बाइक्स में डिफरेंस क्या है। सो आज की वीडियो किसी भी स्पेसिफिकेशन या पावर के बारे में बात नहीं होने वाली। आज की वीडियो डेडिकेटेड है भाई कम्फर्ट पे, कि क्या कम्फर्ट एक ट्रैक बाइक पे, एक स्पोर्ट्स बाइक पे ज़्यादा है या ऑब्वियसली एक टूरिंग बाइक पे ज़्यादा है। जो लोग मुझे बहुत टाइम से फॉलो कर रहे हैं यार वो जानते होंगे कि मैं कौन सी बाइक चलाता हूँ। मैं चलाता हूँ आपकी BMW G310 RR। गाइस ये है प्रॉपर ट्रैक बाइक और इसमें चार मोड्स हैं, स्पोर्ट्स, रेन, अर्बन और है ट्रैक। सो क्विक रश जिसे हम कहते हैं वो इस बाइक में हमें मिलता है। वेयर एज आज की जो दूसरी बाइक है वो है हमारी डोमिनार 250। ये दो सेगमेंट्स में आती है, एक 250 आती है, एक 400 आती है। 250 भी भाई बहुत सही बाइक है। सो यार ये बाइक और इस बाइक में मतलब डिफरेंस क्या है? देखो ब्रेक्स दोनों में है, टायर्स दोनों में है भाई। बाइक है, दो ही बंदे बैठते, खैर मेरी में तो एक ही बैठता है, इसमें दो बंदे आराम से, पीछे पिलन भी आराम से राइड कर सकता है। ये डेली कम्यूट के लिए बहुत सही है भाई ये बाइक। वेयर एज ये है एक ट्रैक बाइक जो कि लॉन्ग टूर्स पे, या मैं लॉन्ग तो क्या ही बोलूँगा, अगर आप लगा लो 60-70-80 किलोमीटर्स भी चलाओगे ना तो भाई आपको पता चल जाएगा आपकी कमर में ना और हैंड्स में आपके कहीं ना कहीं पेन शुरू हो जाएगा, क्योंकि यार ये बहुत लिमिटेड टाइम के लिए होती है। ये एक शौकिया प्रोडक्ट है, शौकिया बाइक है, इससे काफ़ी हद तक आप शो ऑफ भी कर सकते हैं, आपको बहुत अच्छी सुपर बाइक की भी फील देती है। डेली कम्यूट के लिए, लंबे टूरिंग के लिए और YouTube पर्पज़ से, मैं देखा जाए YouTube पर्पज़ से अगर देखा जाए ना भाई, तो ये बाइक बहुत ही कामयाब है क्योंकि इस पर आप दूर दूर निकल सकते हो भाई, टूर मार सकते हो, नैनीताल चले जाओ, शिमला चले जाओ, जहाँ मर्जी भी आपका, जितना भी आपकी जहाँ भी आप जाना चाहते हैं आप वहाँ पर इस बाइक पर कम्फर्टेबली पहुँच जाएंगे। सो वीडियो पूरी कम्फर्ट के बारे में है। सो मैं आपको इस डोमिनार पर बैठ के दिखाता हूँ भाई, आप देखो कि इस पर मेरी पोजीशन कैसी लगती है, और उसके बाद मैं आपको BMW पर बैठ के दिखाऊँगा, उस पे आप मेरी पोजीशन देखना, फिर मैं बात करूंगा कि क्या क्या एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस हैं। सो गाइस ये मैं बैठ गया हूँ भाई डोमिनार 250 पे, ठीक है, और चला तो मैंने बहुत बार रखी है इसलिए मुझे यूजुअली पता है कि इसके बारे में क्या है। बट यार देखो जो इसका हैंडल है ना कहीं भाई वो हैंडल प्रॉपर बनाया गया इसीलिए कि भाई आप कंफर्टेबली राइड कर सको। उसका हैंडल उठा रखा है और आपकी पोजीशन बिल्कुल स्ट्रेट आती है। अगर आप देख सकते हो कि इसका हैंडल ना यहाँ से काफ़ी उठा हुआ है, यहाँ से इसका काफ़ी हैंडल उठा हुआ है, तो आपको ना झुकना नहीं पड़ता इस बाइक में। लीन आप जब ही होंगे जब आप हाई स्पीड पर जा रहे हैं, वेयर एज आपको लीन होने की ज़रूरत नहीं है, बाइक की पोजीशन ऐसा मेंटेन रखेगी भाई कि बिल्कुल आपको स्ट्रेट बैठना है, तो आपकी जो बैकबोन है बिल्कुल स्ट्रेट रहती है। सो कम्फर्ट के मामले में भाई एनी डे टूरिंग बाइक, इस पर आप लंबा निकल सकते हो। अब एक एवरेज हाइट वाले के लिए तो ये बाइक बहुत सही है, बट अगर कोई बंदा बहुत लंबा है तो उसके लिए क्या होगा, उसके उसमें इन बजाज वालों ने एक बहुत अच्छी चीज़ बना रखी है कि एक इंच हैंडल और आप ऊपर कर सकते हैं, तो अगर बंदा लंबा भी होगा तो उसको तब भी झुकना नहीं पड़ेगा, वो तब भी स्ट्रेट ही रहेगा। सो भाई कम्फर्ट के मामले में 10/10 इस बाइक पर, अगर आप कहीं दूर भी निकलोगे, टूरिंग भी करोगे, तो भाई बहुत सही है। और यार यूजुअली पता क्या होता है, यूट्यूब पर ना कंटेंट वही चलता है जब आप अलग अलग जगहें दिखाएं, आपके पास व्हीकल ऐसा होना चाहिए
जो व्हीकल आपको कंफर्ट प्रोवाइड करे ताकि ना आप लंबा राइड कर सकें। सो ये तो बात होगी भाई डोमिना 250 की कंफर्ट की। आगे का कंफर्ट भी बहुत सही है भाई, और पीछे भी मैं बैठा हूँ, पीछे भी प्रॉपर हैंडल से पकड़ने के लिए बहुत सही है। सो इफ़ यू वांट टू गो ऑन लॉन्ग राइड्स, आप टूरिंग करना चाहते हैं, गो फॉर दीज काइंड ऑफ बाइक्स जिसमें हैंडल स्ट्रेट हो, सीट इसकी स्ट्रेट हो, जिसको हम कहते हैं टूरिंग बाइक। वैसे जैसे कि आप जानते होंगे कि 6 महीने से मैं एक रेसिंग बाइक, एक स्पोर्ट्स बाइक चला रहा हूँ। अब मैं दिखाता हूँ कि उसकी पोजीशन में कितना डिफरेंस है डोमिनार की पोजीशन से। सो गाइस ये है मेरी BMW, और जैसे कि आप देख रहे हो इसमें ना अगर आपको ये बाइक चलानी है तो यू हैव टू लीन अ लिटल। दिस इज़ व्हाट अ स्पोर्ट्स बाइक एंड अ ट्रैक बाइक इज़ ऑल अबाउट। यू हैव टू लीन अ लिटल, सो आपकी पोजीशन हमेशा ऐसे रहती है, रादर देन किसी टूरिंग बाइक में आप ऐसे रहते हो। सो आप देख सकते हो कि यार इतनी झुकाव से ना आपकी बैकबोन पे थोड़ा सा स्ट्रेस पड़ेगा। देखो वैसे तो क्या होता है कि जैसे जैसे हम बाइक चलाते रहते हैं ना धीरे धीरे, तो क्या होता है कि आदत पड़ जाती है। यूजली मेरे हाथ यहाँ से बहुत दर्द होते थे पहले पहले जब मैं बाइक चला रहा था, कोई हाथ या उसमें कहीं दर्द नहीं होता क्योंकि मेरी बॉडी एडजस्ट हो गई है। जैसे कि एग्जांपल ले सकते हैं, आप एक बड़ा फ़ोन छोटे फ़ोन से बड़े फ़ोन पे जाते हैं तो आपके हाथ को एडजस्ट करने में टाइम लगता है, सेम इसी बाइक का सीन है। बट भाई देखो यार बहुत लॉन्ग में हेलमेट लगा के कहीं ना कहीं ये बैक में दर्द करती है, ट्रैक बाइक का ये है। सो ये तभी इसका नाम स्पोर्ट्स और ट्रैक है क्योंकि ये लॉन्ग टूरिंग के लिए नहीं बनी है। सो आप डिज़ाइन देखो यार बाइक का, आप लुक्स देखो, परफेक्ट है बट बहुत ही शॉर्ट रन के लिए, बहुत ही शॉर्ट रन के लिए परफेक्ट है। इस पे मैं तभी कहीं दूर जाता नहीं क्योंकि मैं शौकिया हूँ नहीं इस चीज़ का, टूरिंग का। जैसे अगर मेरे पास डिफरेंट बाइक होती तो शायद मैं निकल भी जाता, बट अभी जब मैं सोचता हूँ कि मुझे इस पे 6-7 घंटे भी कहीं अगर राइड करना है तो मेरे लिए इट गेट्स अ लिटिल डिफ़िकल्ट, क्योंकि कहीं ना कहीं बैक में पेन और ये परेशानियाँ आती हैं। बाकी बाइक बहुत क्विक है, बाइक में फ़न बहुत है और बहुत लिमिटेड फ़न है इन बाइक्स में। नहीं इस बाइक्स पे क्या है फ़न, क्या है व्हीली मार ली आपने, ड्रैग कर ली क्विकली, आपको एड्रेनलिन चाहिए, फटाफट भगानी है, उन चीज़ों के लिए भाई इस सेगमेंट में और इस प्राइस रेट पे भी। लुक्स आप बाकी भाई देख सकते हो, बंदा बैठा हुआ इसे बहुत ज़बरदस्त लगता है। प्राइस में कोई बहुत डिफरेंस नहीं है, कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, बट फिर भी द BMW स्पीक्स फॉर इटसेल्फ यार। सो गाइस यार कोई भी बाइक खरीदने से पहले अगर आप नई बाइक लेने जा रहे हो तो ज़रूर उसकी एक टेस्ट ड्राइव ले लो। टेस्ट ड्राइव से आपको समझ आ जाएगा और अपने गोल्स आप सेट कर सकते हैं, कि वो बाइक से पर्पस क्या है आपका। मेरा पर्पस भाई जब मैंने ये ली थी तो मुझे तो एक स्टाइल चाहिए था, मुझे सुबह शुरू से फुल फेयरिंग बाइक्स पसंद है। सेकेंड ये कि मुझे क्विक बाइक चाहिए थी, भगाने वाली बाइक चाहिए थी, मैं टूरिंग वगैरह करता नहीं हूँ। आगे आने वाले टाइम में पता नहीं, इफ़ आई चेंज दिस बाइक आई माइट डू इट, बट एज ऑफ नाउ मैं 2-3 घंटे 4 घंटे दूर जा सकता हूँ, बट अब मैं यहाँ से लद्दाख लगा दूँ इसको मुझे समझ नहीं आती वो बात, क्योंकि कहीं ना कहीं थोड़ा डिस्कम्फर्ट भी है भाई, कितनी भगा लूँगा। सो मेरे पर्पस से भाई मेरा डिसीजन बिल्कुल ठीक था, जैसा मुझे चाहिए था कि मैं दिन में थोड़ी देर जाऊँ बाइक चलाऊँ और आ जाऊँ, उस पर्पस से भाई ये बाइक बहुत अच्छी है। और उससे भी बेस्ट है भाई अगर आप लोग गाड़ी में सफ़र करो तो गाड़ी इज़ वे सेफर देन बाइक्स, इसलिए ये भी एक रीज़न है कि मैं टूरिंग वगैरह ज़्यादा बिलीव नहीं करता उस चीज़ में बहुत दूर जाने में। अगर मेरा ग्रुप साथ है तो बात अलग है, मैं अकेला ट्रैवल करने में इस चीज़ के मैं हित में नहीं हूँ, क्योंकि मैं यूजुअली शुरू से ही भाई मैं गाड़ियों पे टूर मारता हूँ, जहाँ भी मैं घूमा हूँ, कार पे गया हूँ या बस में गया हूँ या प्लेन में गया हूँ जैसे भी, बट बाइक्स पे नहीं, बिकॉज इट्स नॉट सेफ। आज के लिए इतना ही, आई होप यू लाइक द वीडियो, आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करेगी एक अच्छी बाइक डिसाइड करने में। अगर आप नई बाइक लेने जा रहे हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को, आप लाइक कर सकते हैं वीडियो को। मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक ले भाई ध्यान रखें और मौज लें दबाकर।